नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। लॉकडाउन के 9वें दिन पीएम मोदी ने देश से मांगे 9 बजे 9 मिनट 5 अप्रैल को दिखेंगी नई सामूहिकता। जम्मू में मिला एक और संक्रमित, संख्या पहुंचे 41, अब तक 636 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। श्रीनगर में सिटी अस्पताल में लगा डिसइंफेक्शन टनल, 16 और तैयार की जा रही हैं। और नहीं सुधरा पाकिस्तान, पूंछ के बाद अब राजौरी, एलओसी पर दागे गए गोले, 6 जवान हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ देश इस वक्त महाजंग लड़ रहा है। देश में 21 दिनों तक लागू किए गए लॉकडाउन के 9वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के अंधकार को प्रकाश की ताकत से हराने की जरूरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की है। इसका मकसद एकजुटता का संदेश देना है। प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने का सिलसिला जारी है। आज यानी कि शुक्रवार को भी जम्मू में एक और संक्रमित पाया गया। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 71 हो गई है। वहीं कश्मीर संभाग में गुरुवार को 3 मामले सामने आए थे। अब की लद्दाख में 2 हफ्ते बाद एक और मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए श्रीनगर में पहली डिस इन्फेक्शन टनल को श्रीनगर नगर निगम में स्थापित किया है। ये सुरंग डल झील के पास स्थित सीडी अस्पताल में स्थापित की गई है। श्रीनगर के प्रत्येक कोविड-19 अस्पताल में ये सुरंग लगेगी। अस्पताल के बाद महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों व बैंकों में स्थापित किया जाएगा। फिलहाल 16 और सुरंग तैयार की जा रही है। वहीं मेयर जुनेद अजीम मट्टू ने बताया कि ये सुरंग का प्रयोग चीन, तुर्की, रूस व कुछ अन्य मुल्कों में हो रहा है। कई व्यापारिक संस्थान और कंपनियां अपने कर्मियों को इस सुरंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बार बार मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां पूरे देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान सेना सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना और नियंत्रण रेखा से सटे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 सैनिकों को मौत दे दी गई है और 2 के घायल होने से तिलमिलाए पाकिस्तान सैनिकों ने आज फिर सुबह एक बार राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में गोले दागे। इस गोलाबारी में 6 जवानों के घायल होने की सूचना है। हालांकि इसके बावजूद भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान की कई कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना ने सोपोर में लश्कर ए तैयबा के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों के पास से हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आतंकियों के मददगारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। उधर कश्मीर संभाग के हंदवाड़ा से भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। डोगरा संगठन व पैंथर एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर ने आज पलोड़ा और शिवालय पूरब का दौरा किया और वहां के गरीब परिवारों को सब्जियों में आ रही परेशानी को देखते हुए लॉकडाउन के 9वें दिन में सब्जियां वितरित की। जम्मू में लॉकडाउन के मद्देनजर उड़ान वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से राज्य प्रशासन को अपना सहयोग देने के लिए लॉकडाउन लगने के दिन से ही लोगों की सेवा की जा रही है। उसी संस्था ने आज वेव मॉल एरिया में गरीब परिवारों में राशन बांटा व खाने पीने की चीजें भी वितरित की। जम्मू में वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिंपल ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट लाने का विरोध किया और इस एक्ट में संशोधन करने की मांग की। साथ ही जम्मू में टोल प्लाजा बंद करने की भी मांग की। पूरे देश की तरह जम्मू में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य प्रशासन की तरफ से अपने घरों से बाहर निकलने और आसपास रहने पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन फिर भी सरफिरे लोग इस पाबंदी का पालन ना करते हुए पुलिस और प्रशासन के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इसी बात को लेकर पुलिस द्वारा आज नाके के दौरान बिना किसी के सड़कों पर चलने वालों को रोका गया और उनके खिलाफ सख्ती बरती गई। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। लॉकडाउन के 9वें दिन पीएम मोदी ने देश से मांगे 9 बजे 9 मिनट 5 अप्रैल को दिखेंगी नई सामूहिकता। जम्मू में मिला एक और संक्रमित, संख्या पहुंचे 41, अब तक 636 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। श्रीनगर में सिटी अस्पताल में लगा डिसइंफेक्शन टनल, 16 और तैयार की जा रही हैं। और नहीं सुधरा पाकिस्तान, पूंछ के बाद अब राजौरी, एलओसी पर दागे गए गोले, 6 जवान हुए घायल। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।